ये देखिए इस तरह से मैंने चार पार्ट्स इसके बना लिए हैं, देखिए ऐसे, और चार इसके बनाए हैं इस तरह के। तो अब देखिए मैं इनको पहले ज्वाइंट करूंगी, देखिए इस तरह से मुझे रखने हैं। एक मैंने ऐसे रखा तिरछा और एक ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे सिलेंगे। देखिए ये बैक साइड का है, दोनों तरफ पिनने वाला है ये, कैसे भी आप पहन लीजिए। इसको हम यहाँ तक ऐसे अटैच कर देंगे और इसको यहाँ तक ऐसे, देखिए इस तरह से, ऐसे इस तरह से सिल के ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे पकड़ लिया मैंने, तो मैं पूरा ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स में ये वाला तीरा जोड़ लिया है। आप देखिए इसको मैं इधर से ऐसे किया और इसको ऐसे रखा, और अब मैं यहां से ये वाला दूसरा तीरा जो है उसको मैं ऐसे, देखिए यहां से लेके यहां तक, ये देखिए आगे वाले पल्ले में, और यहां से लेके ये पीछे वाले पल्ले में ऐसे सिल दूंगी, और ऐसे ही मैं इधर का सिलूंगी। सेम तरीका है सिलने का, और देखिए यहां से हम इसे मिलाते हुए आगे तक सिलेंगे। ये देखिए इस कॉर्नर से यहां तक मिलाएंगे, और इस वाले कॉर्नर से ये वाला पार्ट है जो यहां से, देखिए ऐसे इतना, देखिए बराबर आएगा बिल्कुल जितना आप बनाएंगे इसको ऐसे। ये मैं सिल देती हूँ ऐसे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया। आप देखिए यहां से गुड्डों के लिए मैं फंदे उठाऊंगी, तो देखिए एक पार्ट ले रही हूँ आगे का, इधर का भी नहीं ले रही हूँ, तो यहां से मैं धागा जोड़ूंगी और यहां से फंदे उठा के इस तरह से, देखिए ऐसे, एक दो तीन चार पांच छः, ये देखिए इसी तरीके से मैं यहां तक फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे 26 फंदे उठाए हैं। आपके जितने फंदे उठ जाते हैं वो आप इस तरह से उठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं फंदे बढ़ाऊंगी, तो देखिए इस तरीके से मुड्डे के लिए जितना आप उठाना चाह बनाना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। दो तीन चार पाँच छ, ऐसे ही मैं इसमें फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 30 फंदे बढ़ा लिए हैं। आप देखिए ये देखिए इधर के पल्ले में से फंदे मैं उठाऊंगी, ये देखिए ऐसे इस साइड से, इसी सलाई से मैं इधर से पूरे फंदे उठा लूंगी यहाँ से, देखिए ऐसे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरीके से मैं इस इधर भी 26 फंदे उठा लेती। ये देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने 26 फंदे उठाए हैं, जितने मैंने यहाँ पे उठाए उतने ही यहाँ पे उठाए। आप देखिए ये वाला पार्ट्स एक तरफ मैंने खुला रखा है, इस साइड अभी नहीं जोड़ा है, ये मैं मुड्डा बनाने के बाद इसको जोड़ूंगी। और देखिए फ्रंट में और बैक में मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। आप देखिए यहाँ से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से, और देखिए यहाँ पे चार रो में बुन लेती हूँ, दो इधर से और दो उधर से, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार रो बना ली हैं, दो गांठ स्टिच आ गई हैं। अब देखिए यहाँ से हम रेड कलर लगा लेंगे और आप देखिए मैं दो रो रेड की दो ब्लैक की इस तरीके से बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार रो इसकी रेड की डालूंगी मैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी दो दो रो बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। ये सिंपल है, तो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ ऐसे।
ये देखिए इस तरह से मैंने ये चार रो बना ली हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए मैं फंदे घटाऊंगी, आप चाहें तो इसकी लंबाई और बढ़ा सकती हैं। तो देखिए एक फंदा उतार लिया, बुल को इधर किया, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा ऐसे ही बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 1 ऐसे ही बुनेंगे, 2 का 1, 1 ऐसे ही, पूरी रो ऐसे ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे फंदे कम कर देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया। आप देखिए यहाँ से हम इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे। आप चाहें तो अपनी बाजू के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंदे और कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना लेती हूँ इसको। आप देखिए इधर से भी हम इसे उल्टा बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 रो बना ली। आप देखिए सभी फंदे क्लोज कर दूंगी। आप चाहें तो बॉर्डर यहाँ पे और चौड़ा बना सकती हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे टाइट करके उतारना है हल्का सा, ताकि फिटिंग अच्छी आए आगे से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये उतार दिया। आप देखिए मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करूंगी, यहाँ से लेके इतना, और ये चीज भी ऐसे ही सिल दूंगी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम पलट लेते हैं और यहाँ से देखिए पहले इतना मैं जोड़ती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से। इसको मिलाते हुए आपको सिलना है रो से रो। ये देखिए, और इस वाले पार्ट्स को हम यहीं से इसको अटैच कर देंगे और यहां तक लाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए यहां तक आ गया। इसको हम अंदर के साइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन के कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम इधर का बना लेंगे।